बेटियों को बलवान तो हम बना ही रहे, लेकिन बेटियों के साथ कुछ मुश्किलें भी हैं, उन मुश्किलों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, एक रिपोर्ट ये कह रही है कि देश की लगभग 50% महिलाएं बेटियां ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है। ऐसा क्यों है? और स्वामी जी, जो महिलाएं अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवा पाती, वो एनीमिया को कैसे पहचान सकती हैं और कैसे इससे खुद को बचा सकती हैं? कोई तरीका नेचुरल है जिससे जाना जाए कि खून बदन में कम हो रहा है? देखो, जब चेहरा मटमैला सा पड़ने लगे, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन ऐसे हैं जो खून बढ़ाते हैं। खून बनता है लीवर किडनी की स्वस्थता से। हमारी जो बड़ी बड़ी जो हड्डियां हैं ना, इनके जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर नया ब्लड बनता है। तो जब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो और लीवर किडनी के फंक्शन अच्छे हों, तो सामान्य खाने पीने से ही, दाल रोटी सब्जी, हरी सब्जियां, अनार, चुकंदर, गाजर, सेब, बादाम, अखरोट, इसमें भी खास करके मुनक्का, अंजीर आदि खाने से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खून बनता है। जब चेहरा मटमैला सा पड़ने लगे और नाखून बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद दिखे और नाखून के नीचे या बीच में यहाँ ज़्यादा ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद आने लगे, तब समझ लेना हीमोग्लोबिन कम है। सांस फूलने लगे, चलने में कमजोरी लगे, थोड़ी थकान ज़्यादा लगने लगे, करीब 80% महिलाओं को खून की कमी रहती है। वैसे भी उनको माहवारी आदि में ब्लीडिंग आदि होने से भी खून की कमी हो जाती है। तो सब महिलाओं को रोज़ पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, ऐसे चलो नौकासन भी कर लो बेटा, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन और ये सेतु बंधासन, और जिनसे हो सके, महिलाएं तो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, वो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और सर्वांगासन, हलासन भी कर ले, मंडूकासन, योग मुद्रासन तो अभी बैठ के हम करवाएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। एक सप्ताह में ही 7 से 14 तक हमने हीमोग्लोबिन किया है। क्या किया? उनको अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पिलाया, उसी में थोड़ा सा मुनक्का और अंजीर भी डाल दिया, खजूर भी डाल दी, इतना जबरदस्त लाभ हो जाता है। सर्वांगासन, हलासन, कितना इजी है। तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बेस्ट है। फिर योग मुद्रासन, योग मुद्रासन और वक्रासन। चलो बेटा, आप वक्रासन करो, अर्धमत्स्येन्द्रासन करो, तो पद्मासन में बैठ के अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन कर लेंगे, मैं योग मुद्रासन कर रहा हूँ, एक साथ आपको सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो खून की कमी रह नहीं सकती, ये 100% मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बात बता रहा हूँ। और यहाँ 7 से 14 हीमोग्लोबिन एक सप्ताह में हम कर देते हैं। और अगली बात, खुश रहने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खुश रहने से हमारे बॉडी में सभी केमिकल्स, हार्मोन्स और जितने भी एंजाइम्स हैं, वो हमारे बॉडी के अनुकूल रहने लगते हैं। इसलिए खुश रहें स्वामी जी और खून बढ़ाएं।